पिछले 25 सालों से रीवा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता था, उनके महापौर थे, तो कार्यकर्ता हमारे नेता, हमारे मंडल सेक्टर के लोग, पूरे बूथ के सेवा के लोग, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस यानी उसे आई, ये सारे लोग। रीवा में 24 साल बाद शहरी सरकार में कांग्रेस का कब्जा। करीब 24 वर्षों के बाद कांग्रेस ने महापौर की कुर्सी पर अपना कब्जा किया है। इसके पहले दो दशकों से यहां बीजेपी का कब्जा था। रीवा महापौर पद के लिए चुनावी अखाड़े में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने तकरीबन 10,282 वोट से जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध व्यास को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं पहली बार महापौर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था, जो तीसरे नंबर पर है। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा नगरी निकाय का महापौर चुनाव इस बार बेहद ही दिलचस्प रहा। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध व्यास को लगभग 10,000 वोट से हरा कर इतिहास रच दिया। पिछले 24 वर्षों से रीवा की महापौर सीट भाजपा के कब्जे में थी। इसके अलावा रीवा में 8 विधानसभा और सांसदी सीट में भी भाजपा का ही कब्जा है। ऐसे में रीवा से कांग्रेस का महापौर चुनाव जीतना आसान नहीं था। हालांकि कांग्रेस की इस अप्रत्याशित विजय ने बीजेपी को विधानसभा चुनाव के लिए खुली चुनौती दे दी है। वहीं तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोंक दी है। वहीं यदि बात करें स्थानीय निर्वाचन 2022 नगर निगम एवं महापौर परिणाम की, तो अजय मिश्रा बाबा कांग्रेस ने 47,987 मत पाए, जयप्रकाश कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी ने 6,008 मत पाए, प्रबोध व्यास भाजपा 37,705 मत पाए, इंजीनियर दीपक सिंह आम आदमी पार्टी ने 8,387 मत पाए, चिकित्सक मणि गुप्ता समाजवादी पार्टी 913 मत पाए, श्री कृष्णा गुप्ता शिवसेना 1,191 मत, रामचरण शुक्ला समग्र उत्थान पार्टी 392 मत, अब्दुल वफाती अंसारी निर्दलीय 1,491 मत, देवेंद्र शुक्ला निर्दलीय 211 मत, धनंजय सिंह निर्दलीय 489 मत, नूरुल हसन निर्दलीय 166 मत, प्रेमनाथ जायसवाल निर्दलीय 179 मत, शैलेंद्र कुमार सोनी निर्दलीय 230 मत तथा नोटा में 596 वोट डाले गए। नगर निगम रीवा के कांग्रेस महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने 10,282 वोट से जीत दर्ज कराई। हमारी रिपोर्टर से बात करते हुए देखिए अजय मिश्रा बाबा ने क्या कहा। तो कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे मंडल सेक्टर के लोग, पूरे बूथ के सेवा के लोग, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस यानी उसे आई, सारे जो शहर के अध्यक्ष हैं, ग्रामीण के अध्यक्ष हैं, प्रत्याशी हैं हमारे 8 विधानसभा, 7 विधानसभा के लोकसभा, सब लोगों ने मिलकर एकजुटता से कांग्रेस के ये काम किया और रीवा की जनता ने अपने सेवक को जिताया। ये जीत रीवा की जनता ही थी। अब लगातार व्यापक जनसंपर्क में रहे, आपने जन समस्याएं देखी, कैसे भविष्य में आप अपने निर्माण को, कैसे कार्य रूप को देखेंगे? हम लोग सच्चाई के साथ हैं और जो सुनियोजित और भ्रष्टाचार हुआ उसको खत्म करके एक व्यवस्थित शहर को स्वरूप देंगे। अगर अभी विजयी होने पर किस प्रकार का लोगों पर और कार्यकर्ताओं पर कैसा जोश देखेंगे? नहीं, सब में उत्साह है। उत्साह तो पहले दिन से ही था, जिस दिन से टिकट मिला था। और रीवा की ये तो जनता, रीवा की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दौड़ा। रीवा विधायक और पूर्व मंत्री के बाद से भी कांग्रेस की विजय हुई है। देखिए, मैंने बताया ना कि भ्रष्टाचार, झूठ बोलना, असुनियोजित विकास की ये निर्वाचन का मतलब, ये जो निर्वाचन हुआ उसका प्रमाण है। झूठ नहीं बोलना चाहिए और लोगों को बताना। रीवा की जनता को कैसे आभार व्यक्त करना चाहते हैं? हम तो उनके लिए दिन संकल्प है जो उन्होंने किया। वहीं आम आदमी पार्टी के शहरी जिला अध्यक्ष राजीव सिंह परिहार ने कहा, आम आदमी पार्टी महापौर के चुनाव में किस स्थान पे रही, क्या पोजीशन रही और यहाँ से कांग्रेस ने विजय हासिल किया है, क्या कहेंगे आप? पिछले 25 सालों से रीवा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता था, उनके महापौर थे। रीवा की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को परिवर्तित करना चाहती थी, बदलाव चाहती थी। आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में पिछले 4 महीने पहले अपना प्रत्याशी दी और दीपक सिंह पटेल जी को मैदान में उतारा। हम जो है जनता के बीच गए, जनता के बीच जाकर हमने अपने दिल्ली मॉडल को रखा।
और लोगों के पास जाकर मुलाकात की। हमारे पास समय कम था, हम लोगों तक बूथ लेवल तक उतना पहुँच नहीं पाए। लोग परिवर्तन चाहते थे, लोग भाजपा को हटाना चाहते थे और भाजपा को हटाने की वजह से ही वो मात्र कांग्रेस को इसलिए जिता दिया उन्होंने क्योंकि वो कांग्रेस को बदलाव के लिए लाना चाहते थे, ना कि कांग्रेस को पसंद कर रहे थे। पसंद तो आम आदमी पार्टी को ही कर रहे थे। उनके जीत और हार के कारण कि कौन पार्टी जीत रही, कौन पार्टी भाजपा को हरा रही है, इस कारण से उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। और मैं जनता जनार्दन को धन्यवाद दूंगा कि आम आदमी पार्टी के साथ जितना भी समर्थन दिया उन्होंने, हम उनके लिए काम करते रहेंगे, आगे उनके समस्याओं के लिए खड़े रहेंगे और जो भी कमियां होंगी जनता महापौर के तौर पर कांग्रेस की या विपक्ष के तौर पर भाजपा की, उन कमियों का उजाला करते रहेंगे। हम संगठन का निर्माण करेंगे और बूथ लेवल तक के आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे। खबरों से जुड़े जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।